नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है रिले कार्ड के ऊपर, जिसको इंडस्ट्री में रिले बोर्ड भी बोल देते हैं, रिले चैनल भी बोल देते हैं, चैनल रिले कार्ड भी बोल देते हैं। तो आज हम जानेंगे इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। चैनल बन रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन से जुड़े कोई भी वीडियो को आप मिस ना जानते हैं। रिले कार्ड के बारे में आखिर ये होता क्या है, और ये काम कैसे करता है, और ये यूज़ कहाँ पे होता है। ये दोस्तों ज़्यादातर हम PLC के बाद, जैसे हमारी PLC होती है इंडस्ट्री में, PLC हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के लिए। PLC PLC की आउटपुट होती है, आउटपुट से जो भी वायर निकलती है वो ज़्यादातर हम रिले बोर्ड पे देते हैं, और उसके बाद फिर हमारी कॉन्टैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर या फिर मोटर वगैरह पे रिले से वायर। ये जो रिले बोर्ड होता है, यही वो रिले बोर्ड है। अब जानते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, असल में ये काम कैसे करता है, पहले वो जानते हैं। चलो देख लीजिए, जैसे ये 1 ±+2 ±2 ±3 ±3 +4 −4। ये देखिए, इसके यहाँ पे इनपुट पे लिखा भी हुआ है इनपुट 24 वोल्ट DC। अब इसका मैं सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये इसका सर्किट डायग्राम है, जैसे ये प्लस और ये माइनस, ये यहाँ पे था प्लस माइनस, ये हो गया प्लस और माइनस, और ये नीचे हो गया NC, NO और कॉमन। NC, NO या तो ये NO बोलते हैं, इसको सिर्फ कॉमन बोल सकते हैं हम, बात एक ही है, ये दोनों का कॉमन है। इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम होता है। अब क्या होता है, जैसे ये एक रिले कार्ड के अंदर 8 रिले है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। इससे जो बड़ी वाली रिले होती है वो लगाने, उसकी जगह पर अगर ये लगाते तो इससे स्पेस बचता है हमारा। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव 24 वोल्ट दी, वैसे ही देते ही ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी लाइट है ये ग्लो हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, ये जो NC, NO और कॉमन है, ये जो NC है और C1 है, ये तो आपस में पहले से ही शॉर्ट है, NC और C1 ये पहले से ही शॉर्ट है। जैसे इसमें सप्लाई आएगी, कोई में सप्लाई आएगी, ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये ऐसे है, ये NO, ये क्या करेगा, जो ये वाली जो पत्ती है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट की वजह से ये अपने आप इसको ये ऐसे अब इसमें अट्रैक्ट कर लेगा, और ये सर्किट है ये टूट जाएगा। NC है तो ये जो सर्किट है वो टूट जाएगा, और ये सर्किट काम करने लगेगा NO और कॉमन का, NO और कॉमन का। जैसे ही इसमें सप्लाई आती है, जब हम इसको यहाँ से इसी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये हमें कंटिन्यूटी दिखाएगा, और जैसे इसकी सप्लाई बंद कर देंगे तो फिर ये NC के साथ कंटिन्यूटी दिखाएगा। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो ऑटोमेशन की बेसिक वीडियो थी, उस पर समझाया था NO और NC क्या होता है। NO होता है नॉर्मली ओपन, NC है जो नॉर्मली क्लोज होता है, NO होता है नॉर्मली ओपन होता है, ये कॉमन हो गया। नॉर्मली ओपन का मतलब है कि सर्किट ओपन है अपनी जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है, जहाँ पे हम इसमें सप्लाई नहीं देते तो, और NC होता है नॉर्मली क्लोज, अगर हमें सप्लाई नहीं दे रखी है तो ये कॉमन और NC आपस में टच है। ये यही इसका बेसिक सा वर्किंग प्रिंसिपल है। अब ये देखते हैं दोस्तों, इसमें ये दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, ये हो गया, ये एक तरह से जंपर बना रखे है। इससे क्या करते हैं, मान लो हम एक ही पॉजिटिव या नेगेटिव लेके आएंगे, अगर नेगेटिव को हम कॉमन करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से इस जंपर को उठा के ये यहाँ पे लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये नेगेटिव और ये सारे जंपर को उठा के इन जंपर पे लगा देंगे। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, एक तो ये जंपर हो गया, फिर एक ये हो गया,
एक ये हो गया, ये क्या है, ये नेगेटिव को शॉर्ट करने के लिए, इस नेगेटिव, इस नेगेटिव, इस नेगेटिव, इस नेगेटिव, इस नेगेटिव, जिससे क्या है हमारी वायरिंग बचेगी, सिर्फ एक ही वायर लेके आएंगे हम नेगेटिव यहाँ पे दे देंगे, बाकी सारी नेगेटिव आपस में शॉर्ट हो जाएगी। और एक ये जो पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव ये हम PLC से लेके आएंगे अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग, भाई किस रिले को हमें ऑपरेट कराना होता है।